हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं अपने टॉपिक के रिगार्डेड। और ये जो टॉपिक है, ये आप जैसे कि सबको पता है, कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड हमने स्टार्ट किया था। पॉइंट और इन्फ्लेक्शन भी हमें निकालना है। सामने आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है जिसकी डिग्री कितनी है 4, और ये आपके सामने एग्जाम में इतनी बार आया है। जम्मू यूनिवर्सिटी की एक बड़ी खास बात है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए होते हैं उसी पैटर्न के आते रहते हैं। बेशक इस बार अगर चैप्टर में से क्वेश्चन आए ऐसा नहीं होगा, मगर वो बस इन नंबर्स को ही चेंज कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कैसे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको एक स्टेप बीच में एक ऐसा आएगा जिसमें हमें इसकी ये क्यों बार बार जम्मू यूनिवर्सिटी ने 3 बार लगातार पूछा कि ऐसा क्यों किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कर्व इज। सबसे पहले लिख लो गिवन कर्व इज। कर्व क्या है? y इज इक्वल टू एक्स फोर माइनस 6x³ प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7। ये आपके पास कर्व है, तो सब कुछ निकाल लेंगे इसका। उसके लिए अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dy by dx। तो ये मैंने dy by dx निकाल दिया, कितना आ गया 4x³ माइनस 18x² प्लस 24x प्लस 5। ये आपके पास dy by dx आ गया, सिंगल डेरिवेटिव। फिर डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, d2y by dx2। और स्टूडेंट्स वो कितना आ गया, 12x² माइनस 36x प्लस 24। अब कनकेविटी अपवर्ड के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम करते हैं फॉर कनकेव अपवर्ड। ये हमने रूल्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, तभी समझ आएगा। फॉर कनकेव अपवर्ड जो डबल डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और डबल डेरिवेटिव कौन है आपके पास, ट्वाइस x² माइनस 36x प्लस 24 ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ठीक है, कैसे, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, 12 कॉमन निकल रहा है, 12 को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग बचा x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो मैं आपको करवाने में एक चीज और भी बता सकता हूं कि 12 0 के नीचे चला गया, मगर ये इक्वेशन थोड़ा ना है जो नीचे चल जाएगा। इसमें कंसेप्ट बेसिकली ये लगा है, ये दो टर्म्स हैं, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है, जीरो से बड़ा पॉजिटिव। 12 तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये जो x² माइनस 3x है इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसमें कंसेप्ट स्टूडेंट्स ये लगा हुआ है। अगर किसी को ये कंसेप्ट नहीं समझ आता तो वो ऐसा समझ ले दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये आ गया। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें ऐसा आता था, जब हम डबल डेरिवेटिव निकालते थे वो ऐसा आता था 3 प्लस 4 या 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, फिर हम x इजीली निकाल देते थे। मगर इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसी वजह से ये क्वेश्चन बार बार जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगी, इसके लिए एक मेथड यूज होगा जिसको बोला जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देख लेते हैं, ये 2 चला गया उस तरफ तो कितना आ गया -2। अब क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये -3x है, ये 3 देखते हैं, ये जो b होता है इक्वेशन ऐसी होती है ना, ax² क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस bx प्लस c, ये जो b होता है इसको डिवाइड करते हैं 2 से और इसका स्क्वायर ऐड भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। ठीक है, रफली अब b कौन है, 3 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आता है 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड करना है तो 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 9/4। वो मैंने इस साइड भी ऐड कर दिया, माइनस भी इधर ही करना था, मगर मैं उस साइड भी ऐड कर देता तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर ये चीज इससे बड़ी है, आप दोनों जगह 9/4 और 9/4 ऐड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9/4 ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहा हूं। उसका रूल यही है कि जो भी ये टर्म है, कोई भी टर्म हो, हमेशा 2 से ही करना है डिवाइड। ठीक है, अगर आप ठीक कर रहे होंगे तो अगर आप देखोगे तो इसका और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर यही आएगा, और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 प्लस 9/4, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 9 - 8 1/4। अच्छा, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है हम स्क्वायर को मॉड का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हम स्क्वायर को मॉड का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रीजन ये, अगर आप किसी का स्क्वायर करो या उसके मॉड का स्क्वायर करो कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है,
अच्छा जब मैंने अब स्केयर हटाया तो अब आपके पास क्या आया, एक्स माइनस थ्री बाई टू ग्रेटर देन वन बाई टू, क्योंकि स्केयर उस तरफ गया तो रूट लग गया तो वन बाई टू। अब हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है प्रीवियस छोटी क्लासेस में, दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अगर कभी भी किसी मॉड का एक्स ए से छोटा हो तो वो जो एक्स है वो माइनस ए और ए के बीच में रहता है। और इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी है, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो तो जो एक्स होता है वो ए से बड़ा होता है, या तो जो एक्स है वो ए से भी क्या होगा माइनस ए से क्या होगा छोटा होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस केस में कौन सी प्रॉपर्टी लेगी, नीचे वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें जो मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है ए आ रहा है ना, तो इस केस में कौन सी प्रॉपर्टी लेगी, ये नीचे वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लेगी। अब ये मॉड एक्स, ये मॉड एक्स है, ये ग्रेटर देन ए है, तो इसका मतलब है जो ये एक्स है बेसिकली एक्स माइनस थ्री बाई टू, तो ये यहां तो वन बाई टू से बड़ा होगा ग्रेटर देन ए, या जो एक्स माइनस थ्री बाई टू है ये आपका क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए ऐसे, ठीक है ये ऐसे। जो एक्स है वो या तो ए से बड़ा होगा या तो वो माइनस ए से छोटा होगा, ए को बड़ा है इसमें वन बाई टू ऐसा आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूं स्क्रीन में कि आपको क्लियर दिख रहा भी है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा ये प्रॉपर्टी लगाई कि जो भी मॉड के अंदर है वो या तो इस ए से, ये भी ए है, इससे बड़ा होगा या तो इसके माइनस से छोटा होगा। अब आप अगर इसको सॉल्व करो तो एक्स किसके ग्रेटर देन है, थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू, ये उस साइड चला गया। इसको सॉल्व करो तो एक्स किससे बड़ा है, फोर बाई टू, इसको सॉल्व करो तो एक्स किससे बड़ा है, टू से, और इधर, ठीक है। एक्स माइनस थ्री बाई टू लेस देन माइनस वन बाई टू, और सॉल्व करो तो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो एक्स माइनस वन बाई टू इधर प्लस थ्री बाई टू, और सॉल्व करो तो क्या लिख सकते हो एक्स लेस देन टू बाई टू, और सॉल्व करो तो क्या लिख सकते हो एक्स लेस देन वन। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारी कर्व है, जो हमारी कर्व है वो कनकेव अपवर्ड है। कौन सा केस था कनकेव अपवर्ड का, कनकेव अपवर्ड है, ठीक है, किसके लिए, फॉर एक्स टू से बड़ा, टू से बड़े को हम लिखते हैं टू टू इन्फिनिटी, और एक्स वन से छोटा, वन से छोटे को लिखते हैं वन टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, इन दोनों का यूनियन। तो इस इंटरवल के अंदर जो हमारी कर्व है वो कनकेव अपवर्ड है, ठीक है। कैसे मेरे को पता चला, एक्स टू से बड़ा तो टू से इन्फिनिटी है, वन से छोटा तो वन से माइनस इन्फिनिटी, दोनों इस केस में है, तो यूनियन से जुड़ता है भाई, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट इसका समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सेम क्वेश्चन अब हम नीचे लिखेंगे, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर कनकेव डाउनवर्ड, फॉर कनकेव डाउनवर्ड, या तो आप इसको कनकेव डाउनवर्ड बोल सकते हो, या तो आप इसको ये भी बोल सकते हो फॉर कन्वेक्स अपवर्ड, वो आपकी चॉइस, आपने जो लिखना है लिख लो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए जो आपका डबल डेरिवेटिव है वो आपका क्या आएगा, जो डबल डेरिवेटिव है वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा लेस देन जीरो, ठीक है। अब सेम आपको ऐसा ही प्रोसेस करना है, मैं डायरेक्ट जा रहा हूं, सेम आपको ये पूरा प्रोसेस करना है ऐसे ही कंप्लीटली द स्केयर, बस इधर फर्क क्या आएगा, जो मॉड के अंदर है वो इधर ग्रेटर देन था, इधर जो मॉड के अंदर है वो लेस देन हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि जो मॉड के अंदर है एक्स माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, वो लेस देन आएगा किससे, वन बाई टू से, बस इतना सा फर्क आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मॉड की इधर ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो इसका मीनिंग है कि जो एक्स है वो माइनस ए और ए के बीच में, ये माइनस है ए, ये था तो माइनस लगा दिया, और ये एक्स है, एक्स कौन है, माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू, इन दोनों के बीच में। अब आपने पूरी इनइक्वालिटी में थ्री बाई टू ऐड कर दिया, तो आपने इधर थ्री बाई टू डाला, आपने इधर भी थ्री बाई टू डाला, और आपने इधर भी क्या कर दिया, थ्री बाई टू डाल दिया। थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू तो ये आएगा टू बाई टू, इधर ये थ्री बाई टू कट गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, और उधर आएगा फोर बाई टू, ये कितना आ रहा है, वन और टू,
तो जब एक्स वन और टू के बीच में होगा तो ये जो कर्व है ये कनकेव डाउनवर्ड होगी या कन्वेक्स अपवर्ड होगी। तो देयरफॉर अब एक बार देख लेते क्वेश्चन में क्या वर्ड पूछा है, मैं भी वही लिखूंगा ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कनकेव डाउनवर्ड, तो मैं कनकेव डाउनवर्ड लिखूंगा ठीक है। तो जो कर्व है वो क्या है, कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड फॉर एक्स बिलोंग्स टू वन टू को तो ऐसे लिखते हैं, तो इसके बीच में जो कर्व है वो कनकेव डाउनवर्ड है ठीक है। अब एक बार अपने आंसर भी चेक कर लेता हूं क्या यही आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपके आंसर यही आ रहे हैं ठीक है। तो आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आया होगा। तो ये हमने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रूव कर लिया कि कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड किस किस पोर्शन में होगी। अच्छा अब आप डायग्राम बना लो क्योंकि अभी आपको पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन भी निकालना है। तो आपके इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आपके इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आया वन, एक पॉइंट आया टू, और क्वेश्चन वाले ने बोला वन और टू के बीच में कनकेव डाउनवर्ड है और टू से आगे और वन से पीछे कनकेव अपवर्ड है। कनकेव अपवर्ड को ऐसे करते हैं ना कटोरी की तरह, मैंने आपको पहले बताया। तो ये पॉजिटिव, ये कर्व ऐसे इधर क्या आ रही है नेगेटिव, और इधर से फिर कर्व ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी पॉजिटिव। तो ये इसकी डायग्राम है, डायग्राम से आपको क्लियरली दिख रहा है कि वन के लेफ्ट और राइट में चेंज आ रही है, टू के लेफ्ट और राइट में चेंज आ रही है। तो वन टू ही इसके पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होंगे। अब उनको प्रूफ कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो जो ऐसी कर्व होती है इसको कनकेव अपवर्ड बोलते हैं, और जो ऐसी कर्व होती है इसको कनकेव डाउनवर्ड। अगर आपको डायग्राम बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हो, और अगर आप डायग्राम बनाते हो आपका जो एग्जामिनर है जो पेपर चेक करेगा वो इंप्रेस तो पक्का होगा ठीक है। तो डायग्राम के हिसाब से करना। अब देखो अब क्या करोगे, अब क्या वाकई ये पॉइंट निकलते हैं तो वो निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं पुट कर देते थे हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू को इक्वल टू जीरो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू को जीरो। वो हमारा क्या आ रहा है, वो हमारा आ रहा होगा 12x² - 36x + 24 = 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 12 आपने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो x² - 3x + 2 = 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x - 1 और x - 2। अब वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपको पॉइंट तो पहले ही मालूम है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स वन और टू आ रहा है, डायग्राम भी हमारी यही शो कर रही है, ऊपर कंसेप्ट भी हमारा यही शो कर रहा है ठीक है। अब आपको कैसे चेक करना है, अब देखो ये वो वैल्यूज हैं जिसमें ये जीरो आ रहा है, फिर आपको वो वाली वैल्यूज भी ढूंढनी है जिसपे जो डबल डेरिवेटिव है इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये इन्फिनिटी तो किसी पे भी नहीं आ रहा है क्योंकि इसके नीचे तो क्या है वन, जो डबल डेरिवेटिव है वो बेसिकली आपका ये है 12x² - 36x + 24। ये कभी इन्फिनिटी नहीं बनेगा क्योंकि नीचे तो वन है। तो यही दो वैल्यूज है। अब एक और रूल था वो हम निकालेंगे, अब हम इसमें क्या निकालेंगे फाइंड d3y/dx³। हम इसमें ऐसे कर रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, कौन नेगेटिव पॉजिटिव देखता रहेगा ठीक है। अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव ही देखना है तो मैं आपको वैसे भी करा सकता हूँ ठीक है। एक काम करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव से ही करवाता हूँ ताकि आपको तकरीबन सारे क्वेश्चन एक जैसे हो जाए। तो देखो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव है, ये मैं आपको रफली लिख के बता रहा हूँ, ये आपके पास क्या है डबल डेरिवेटिव d2y/dx² आपने इस डबल डेरिवेटिव को सॉल्व किया तो पहले 12 बाहर निकल गया और फिर पीछे फैक्टर क्या बनेंगे x - 1 और x - 2, ये फैक्टर बने। तो देख लेते हैं फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तभी बनेगा जब इसके पीछे और इसके आगे साइन चेंज हो गए। तो फॉर x = 1 इस 1 को चेक कर रहा हूं पहले मैं, तो मैं लिखूंगा व्हेन x < 1। अब आप खुद दिमाग लगाओ, आपने अगर डायग्राम बना रखी है, मैं स्क्रीन में देखता हूं आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, आपने अगर डायग्राम बना रखी है तो आप चेक क्यों करोगे। आपको सामने दिख रहा है वन से पीछे के लिए कर्व पॉजिटिव है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा जो वन से पीछे के लिए जो हमारा d2y/dx² है ये पॉजिटिव है, ये डायरेक्ट आ गया। अगर चेक भी करना है तो आप कर सकते हो, वन से पीछे आया जीरो, इधर डालो जीरो, तो 0 - 1 - 2 - पॉजिटिव ही आएगा, तो वो डायग्राम से दिख जाएगा। ये तो बस फॉर्मेलिटी है लिखना। और व्हेन x > 1 जो ये आपका d2y/dx² है, ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो
तो इसका मतलब कर्व अपने साइन चेंज कर रही है, जो डबल डेरिवेटिव है वो अपने साइन चेंज कर रहा है वन के अराउंड में, वन के नेबरहुड में साइन चेंज कर रहा है। अब मैं दूसरा पॉइंट चेक करूंगा फॉर एक्स इज इक्वल टू टू, ये भी बस लिखना फॉर्मेलिटी है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। जब टू से छोटा होगा तो जो आपका डबल डेरिवेटिव है वो इस केस में क्या आ रहा है, देखो टू से छोटा, ये टू से छोटा और इस पे डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मैं बिना सोचे समझे इधर नेगेटिव कर सकता हूं। अगर किसी को तब भी डाउट आता तो वो चेक कर सकता है, टू से छोटा ये पॉइंट है वन और ये टू, टू से छोटा तो डेट लेना है, इधर डेट डालो, डेट में से एक गया पॉजिटिव, डेट में से दो गया नेगेटिव, तो ये 12 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव ही आता है, वो तो आपको डायग्राम से भी दिख जाएगा। ठीक है, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन टू, जो डी टू वाई बाई डी एक्स टू है ये ग्रेटर देन क्या आ रहा है, जीरो, तो इसका मतलब जो कर्व है वो वन पे और टू पे साइन चेंज कर रही है। अगर ये दोनों साइन चेंज कर रही है तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू टू आर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मगर ये पूरी नहीं निकले, मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया आपको वाई भी निकालना है, तो फिर आप क्या करो एट एक्स इज इक्वल टू वन अब वाई निकाल दो, क्या निकालो वाई, और आपके पास जो क्वेश्चन में वाई है उसमें जब आप एक्स को वन डालोगे तो आप चेक कर लेना वो 19 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, जो क्वेश्चन में वाई है, वाई ये कर्व दी है ना एक्स फोर करके कुछ करके, आप उसके अंदर एक्स की जगह वन डालो तो आपके पास वाई आएगा 19, और जब मैं एक्स को क्या डालूंगा टू तो आपके पास वाई आएगा 33। तो हम लास्ट में बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज जो ये 1 और 19 है और जो ये 2 और 33 है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन को जम्मू यूनिवर्सिटी अक्सर पेपरों में डाला करती है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी अक्सर पेपरों में डाला करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट टाइप के, ठीक है, तभी आपके लिए लाया ताकि आपके मार्क्स कहीं से भी नहीं खट सकें। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जम्मू यूनिवर्सिटी एक बात याद रखना, जम्मू यूनिवर्सिटी जो भी आप अपने एग्जाम्स हैं उनमें ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करवाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शो दैट एवरी पॉइंट इन विच द साइन कर्व y इज इक्वल टू c sin x / a मीट्स x एक्सिस इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व। क्वेश्चन का मीनिंग क्या, अगर आप ध्यान से समझो, बोलते हैं जितने भी पॉइंट हैं, एवरी पॉइंट इन विच द साइन कर्व, जितने भी पॉइंट पे साइन कर्व एक्स एक्सिस को मीट करती है, ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। समझ रहे हो बात, देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर आपके पास ये साइन कर्व है, हमने तो साइन कर्व ऐसे ही पढ़ी है ना अभी तक, और देखो आप सामने देख पा रहे हो जो ये साइन कर्व है ये अपनी जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है कितनी बार मीट कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोर्ड पे भी 8 बार दिख रही है मगर एक्चुअल में कितनी बार कर रही है, काफी बार कर रही है। ठीक है, तो जितनी बार मीट कर रही है, जिन पॉइंटों पे मीट कर रही है वो सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हो, ठीक है, और आपको ऑप्शन आ जाए ऐसे, तो बच्चों ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, साइन कर्व तो ऐसे ही बनेगी, और मैंने अभी तो आपको समझाया ये जो कर्व है ये कटोरी की तरह बनी ऊपर की तरफ, तो ये कौन सी कर्व है, कनकेव, पॉजिटिव होगा इसमें डबल डेरिवेटिव, ये कर्व उल्टी कटोरी बनी तो ये कौन सी कर्व है, कन्वेक्स, इसमें नेगेटिव होगा, तो आपको नहीं दिख रहा क्या कटोरियां चेंज हो रही हैं। अब मैं ऐसे हंसाने के लिए आपको बता रहा हूं कटोरियां चेंज हो रही है, कर्व की शेप बता रहा हूं मैं आपको, यू शेप वी शेप, यू शेप वी शेप, तो हर इस पॉइंट के बाद जैसे एक्स एक्सिस में मीट करती है तो पहले ये कन्वेक्स होती है, एक्स एक्सिस में मीट करने के बाद ये कनकेव बन जाती है, एक्स एक्सिस में मीट करने पे कन्वेक्स बन जाती है, एक्स एक्सिस में मीट करने पे कनकेव बन जाती है, तो आपको ये प्रूफ करके बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन का नॉलेज हो गया होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आ जाता है मैं कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिख लो हेयर वाई इज इक्वल टू सी साइन एक्स बाय ए, ये कर्व है। फिर दूसरा स्टेप सिंगल डेरिवेटिव निकालो डी वाई बाई डी एक्स, सी बाहर आ गया, साइन की कितनी हो जाएगी कॉस एक्स बाय ए, एंगल की करेंगे तो वो आ जाएगी 1/a। डबल डेरिवेटिव निकालो डी टू वाई बाय डी एक्स टू, सी बाय ए कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस की कितनी हो जाती है माइनस साइन,
एक्स बाय, फिर अंदर एंगल करेंगे फिर आएगा वन बाय ए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर साइन एक्स बाय ए। ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको बताना है जिन जिन पॉइंट पे कर्व मीट करेगी किसको, एक्स एक्सिस को, जिन जिन पॉइंट पे कर्व मीट करेगी एक्स एक्सिस को, वो सारे पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो सारे पॉइंट आपके क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सबसे पहले मैं ये तो पता करूं कि वो कौन से पॉइंट है जिन पे कर्व मीट कर रही है ना। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि जिस जिस पॉइंट पे कर्व मीट कर रही है वो सारे पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कर्व किन पॉइंटों पे मीट कर रही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये निकाल लेंगे कि जो कर्व है वो किन पॉइंटों पे मीट कर रही है, जो आपकी कर्व है वो किन पॉइंटों पे मीट कर रही है, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो मैं लिखूंगा सिंस जो कर्व है मीट्स कर रही है किसको, एक्स एक्सिस को। ठीक है, कब करेगी एक्स एक्सिस को मीट, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जब मीट करेगी उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, तो जब वाई क्या होगा जीरो। स्टूडेंट्स जो ये कर्व है, कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो हमारी कर्व है ये जो क्वेश्चन में दी है, ये हमें गिवन कर्व दी है, ये एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है तो इसका वाई जीरो ले लो, वाई को जीरो कर दो, तो हमारा सी साइन एक्स बाय ए भी क्या हो गया जीरो हो गया। सी कॉन्स्टेंट है, जीरो के डिनोमिनेटर में चला गया, तो साइन एक्स बाय ए भी क्या हो गया जीरो बाय सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इधर, अगर आपके पास क्या है साइन एक्स बाय ए किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, अगर साइन एक्स बाय ए जीरो के इक्वल है तो आप जीरो को ऐसे भी लिख सकते हो ना साइन एन बाई, क्योंकि साइन जीरो कब होता है एन बाई पे, साइन साइन आपका स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, तो एक्स बाय ए किसके इक्वल आ गया एन बाई के, और सॉल्व किया तो एक्स किसके इक्वल आ रहा है ए एन बाई। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिन पे कर्व एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है, और इधर जो एन होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स एट विच कर्व मीट्स एक्स एक्सिस, ये वो सारे पॉइंट है जिसमें जो कर्व है एक्स एक्सिस में मीट कर रही है। अब आपको पॉइंट तो मिल गए, अब आपको चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि अब वाकई इन पॉइंटों में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। ठीक है, आपको चेक करना है क्या इन पॉइंट्स में क्या वाकई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो वो कैसे चेक करेंगे, देखो एक रूल क्या होता है, इन पॉइंटों का लेफ्ट और राइट देखो और देखो इसका साइन चेंज हो रहा है नहीं, खुद दिमाग दो ये इंटीजर्स है ना, एन क्या इंटीजर, और इंटीजर्स कितने होते हैं इनफाइनाइट, आप इधर इंटीजर्स इनफाइनाइट डालोगे, क्या मैं इनफाइनाइट बार चेक करूं, तो इसलिए इसमें वो प्रोसेस तो नहीं लगाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इस क्वेश्चन में डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब भी निकाल दूंगा, तो वो कितना आ जाएगा माइनस साइन माइनस सी बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बार, साइन कितनी होती है कॉस एक्स बाई, और एक्स बाई ए की फिर से क्या हो जाएगी वन बाई, और ये कितना आ गया माइनस सी बाई ए क्यूब कॉस एक्स बाई, ये आपका ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल दिया। तो एक और रूल है कि जो पॉइंट आया है अगर आप उसको अपने ट्रिपल डेरिवेटिव में डाल दो और वो आपका क्या आंसर आए नॉन जीरो और फाइनाइट, तो वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, कल भी बताया था आज भी बता रहा हूं। तो दो तरीके हैं आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए, एक तरीका है उन पॉइंट्स का लेफ्ट राइट पे डबल डेरिवेटिव के साइन चेंज करवा दो, अगर वो नहीं करवाना है किसी वजह से आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओ तो फिर ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो, उसमें वो पॉइंट डाल दो और वो नॉन जीरो और फाइनाइट बता दो। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूं, एट एक्स इज इक्वल टू ए एन पाई, एट एक्स इज इक्वल टू ए एन पाई जो आपका ट्रिपल डेरिवेटिव है वो देख लेते हैं क्या बनता है, डी ये कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है माइनस सी अपॉन ए क्यूब कॉस एक्स की जगह क्या डाला ए एन पाई अपॉन ए, ए और ए कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया माइनस सी अपॉन ए क्यूब कॉस एन पाई, और स्टूडेंट जो ये कॉस एन पाई होता है ना, ये आप याद रख लो, जो कॉस एन पाई की वैल्यू होती है वो कभी आती है माइनस वन और कभी आती है वन, चेंज होती रहती है, और डिपेंड कैसे करती है एन पे, अगर एन है इवन तो आ जाएगी प्लस वन,
अगर एन डाला आपने ऑड तो आ जाएगी माइनस वन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, एन को डालू मैं वन तो कॉस पाई क्या होता है माइनस वन। क्यों आया माइनस वन? क्योंकि आपने एन को ऑड नंबर डाला, ठीक है। अच्छा अगर आप एन को डालोगे टू तो आएगा कॉस टू पाई, कॉस टू पाई क्या आएगा प्लस वन, तो कॉस एन पाई होता है माइनस वन की पावर एन। तो अब आप मेरे को बताओ जब ये माइनस वन की पावर एन है, या तो कभी वन आएगा या तो कभी माइनस वन आएगा, तो ये जो आंसर है ये कभी तो जीरो होगा ही, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं है। और ये जो आंसर है कभी इन्फिनिटी भी नहीं होगा, ये कभी इन्फिनिटी भी नहीं होगा, तो ये हमेशा क्या होगा ऑलवेज एग्जिस्ट भी करेगा। तो अगर ट्रिपल डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर नॉन जीरो आ जाए और हमेशा एग्जिस्ट करे, तो उस पॉइंट के ऊपर ही आपके जो कर्व है उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसी पॉइंट को बोल दिया जाता है। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू ए एन पाई इज आर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है ना, x इज इक्वल टू ए एन पाई आर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, वो तो मैंने आपको डायग्राम में स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो x इज इक्वल टू ए एन पाई कौन से पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जिसमें कर्व x एक्सिस को मीट कर रही है। तो मैं बोलूंगा दिस इंप्लाइज, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो ये कर्व है वो x एक्सिस को जिन पॉइंटों पे मीट कर रही है वो सारे के सारे क्या हैं? पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज करूंगा एवरी पॉइंट इन विच द साइन कर्व, इन विच द साइन कर्व, एवरी पॉइंट इन विच द साइन कर्व मीट्स x एक्सिस आर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो कंकेविटी कन्वेक्सिटी का टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमने तो ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जितने भी एग्जाम में आए हैं, आपके जो जो टॉपिक और मेन है, जैसे डबल पॉइंट हो गया, जैसे एजम्प्टोट हो गया, ठीक है, जैसे कर्व ट्रेसिंग हो गया, ये भी मैं जल्दी से जल्दी कवर करवा दूंगा, ताकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप तक सारा मटेरियल पहुंच जाए। अभी भी हमारे पास 15 डेज है एग्जाम आने को, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस सारा करवा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी जम्मू यूनिवर्सिटी का सेमिस्टर फर्स्ट का पूरा मैथमेटिक कोर्स इजिली प्रिपेयर कर पाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।